good morning my dear students <coughs> here i am with a new topic types of norm we already discussed about the concept of norm what is norm the reference point of norms and the stages developing for norms so here we are discuss about the types of norm there are different kinds kinds of norms <coughs> through which we uh, consider different kind of uh, through which we डेवलप आर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉम्स विच इज़ यूजफुल फॉर आवर टेस्टिंग विच इज़ यूजफुल फॉर आवर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नॉम्स के बारे में टाइप्स ऑफ नॉम्स के बारे में कि क्या है टाइप्स ऑफ नॉम्स देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नॉम्स और बेसिकली देर आर फोर काइंड्स ऑफ नॉम्स आर डिवाइडिंग टू फोर टाइप्स दैट इज ए जी क्यू वैलेंट नॉम्स ए जी क्यू वैलेंट नॉम्स ग्रेड इक्यू वैलेंट नॉम्स पर्सनटाइल नॉम्स एंड स्टैंडर्ड नॉम्स सो लेट स्टार्ट अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि एज इ्यू वाले नॉर्म्स क्या है ग्रेड इक्यू एलेंट नॉम्स क्या है परसेंटाइन नॉर्म्स क्या है एंड स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या है फर्स्ट वन एज्यू वाले नॉर्म्स एज वाले नॉर्म्स मीन्स एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ अ अटन एज लेवल ऑन द मेजर ऑफ अ अटन ट्रेट और एबिलिटी फॉर एग्जाम्पल हाइट मेजरमेंट क्या है एज इक्व एज क्यू वाला नॉर्म क्या है मान के चलो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पर जब किसी स्टैंडर्डाइज टेस्ट को अप्लाई करने के बाद उसके आधार पर जो स्कोर आता है जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो वही एवरेज स्कोर कहलाता है एज इक्वैलेंट नॉम्स ठीक है जैसे हाइट मेज़रमेंट करते हैं जैसे मान के चलो कि हम <coughs> थर्टीन ईयर्स के स्टूडेंट्स का हाइट मेज़रमेंट कर रहे हैं ठीक है थर्टीन ईयर्स के स्टूडेंट का हाइट मेज़रमेंट करना चाहते हैं और मान के चलो कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया के जैसे मान के चलो कि हम जमशेदपुर का थर्टीन ईयर्स के गर्ल्स का हाइट मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जब हम हाइट एटलीस्ट फाइव हंड्रेड या थाउजेंड फ़ीमेल का जब फीमेल uh, स्टूडेंट्स का जब हम थर्टीन इयर्स का जब हम हाइट मेज़रमेंट करते हैं और उसके आधार पर सारे हाइट्स के आधार पर जब हम एवरेज स्कोर निकालते हैं तो देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड हाइट कितना होता है उसी स्टैंडर्ड हाइट के आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि थर्टीन इयर्स के इस लड़की का जो हाइट है अकॉर्डिंग टू थर्टीन इयर्स कम है या अकॉर्डिंग टू थर्टीन इयर्स इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो दैट इज़ अ बेसिकली नॉर्म्स यानी उस एज के उस पर्टिकुलर एज के सारे लोगों का या रिप्रजेंटेटिव सैम्पल्स सिलेक्ट किए हुए लोगों पर जब हम एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और उसके आधार पर जो स्कोर मिलता है उस स्कोर का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वही एवरेज स्कोर क्या कहलाता है एज इक्वेलेंट नॉर्म्स कहलाता है ठीक है अब क्या है एज नॉर्म्स आर मोस्ट स्वीटेड टू दो स्टेट्स और एविलिटीज विच इंक्रीज सिस्टमेटिकली विथ एज ये किसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है जिसमें सिस्टमेटिकली एज के साथ ग्रोइंग नेचर होता है यानी जैसे थर्टीन ईयर्स में इतना फोर्टीन में इतना फिफ्टीन में इतना तो जो एज के साथ इंक्रीज होता है सिस्टमेटिकली उसके लिए एज इक्वल नॉर्म्स क्या होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट यह होता है कि एज नॉर्म का एक जो ख़ास गुण है ये ये होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म को डेवलप करना बहुत आसान होता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं थर्टीन ईयर्स के लिए एक अलग नॉम बना सकते हैं फिफ्टीन ईयर्स के लिए एक अलग नॉम बना सकते हैं फिफ्टी ईयर्स के लिए एक अलग नॉम बना सकते हैं तो ये एज इक्यूबरेंट है तो इसमें हम सारे एज को एक जगह कम्बाइन ना करके डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग हम नॉर्म्स को डेवलप कर सकते हैं तो ये हो गया आपका एज इक्यूबरेंट नॉर्म्स ठीक है नेक्स्ट आता है ग्रेड इक्वलेंट नॉर्म्स ग्रेड मतलब क्या है मान के चलो क्लास <coughs> according to class, grade equivalent norms are defined as the average performance of a representative sample of a certain grade or class. Grade equivalent norm kya hai jab kisi particular kisi class के students पर कुछ representative sample हम उसमें से select करके हम उसपर एक test administrate करते हैं और उसके आधार पर जो score आता है जब हम उसको उस स्कोर का एवरेज निकालते हैं तो वही हमारा ग्रेड इक्वल नॉर्म्स कहलाता है ठीक है तो ये बेसिकली किस पर होता है पर्टिकुलर किसी एज पर जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए ही कि क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट्स पर अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण किया गया और जिसके लिए हमें ग्रेड नॉम बनाना है तो क्या करेंगे उस क्लास सेवन के स्टूडेंट्स पर मतलब उस क्लास सेवन के स्टूडेंट्स से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का चूज तो कर लेंगे अगर वहाँ फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं तो मान के चलो हम ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लिए और उन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स पर एक स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट हम अप्लाई किए और उसके आधार पर जो स्कोर आया उस स्कोर का हम एवरेज निकालें और वही एवरेज स्कोर क्या होगा हमारा ग्रेड इक्यूवर नॉर्म्स कहलाएगा ठीक है आप लोग इसके पहले टेस्टिंग में भी कुछ टेस्ट uh, अप्लाई करते हो तो क्या करते हो आप उसको uh, अपने सैंपल को देते हो सब्जेक्ट को देते हो सब्जेक्ट के द्वारा जो स्कोर आता है मान के चलो ट्वेंटी सब्जेक्ट्स है ट्वेंटी सब्जेक्ट का जो स्कोर आएगा उसका हम एवरेज निकालते हैं जो एवरेज स्कोर आएगा उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्म्स तो ग्रेड नॉर्म क्या है जब किसी पर्टिकुलर किसी एज के स्टूडेंट पर्टिकुलर किसी क्लास के स्टूडेंट्स को हम लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेड इक्वल नॉर्म्स इसका कुछ लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है ग्रेड इक्वेलन नॉर्म्स ऑफ द सेम स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर नॉट कम्पेरेबल तो क्या है सेम स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है सेकेंड क्या है द ग्रेट इक्वेलन नॉर्म्स इज़ नॉट स्विटेड टू दो सब्जेक्ट्स इन विच देयर ऑकर्स रैपिड ग्रोथ इन द एलिमेंट्री क्लास एंड वेरी स्लो ग्रोथ इन द हायर क्लासेस तो ग्रेड इक्यूवेल नॉर्म्स उस सिचुएशन में भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब लोअर क्लासेस में जैसे स्पेलिंग हो गया वोकबलरी पावर हो गया ये एलिमेंट्री क्लासेस में बहुत फास्ट ग्रो करता है क्योंकि बच्चों को वही लर्न करना सिखाया जाता है लेकिन जैसे जैसे वो हायर क्लासेस में जाते हैं उनके हम स्पेलिंग पे वोकबलरी पे उतना ध्यान नहीं देते हम उनके कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं तो ऐसे स्टेजेस में जहाँ पे ग्रोथ क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है फिर धीरे धीरे स्लो होते चला जाता है ऐसे सिचुएशन में ग्रेड ग्रेटिक्यूबल नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं हो पाता ये सुटेबल नहीं हो पाता है ठीक है <coughs> अब हम लोग आते हैं पर्सेंटाइल नॉर्म्स और पर्सेंटाइल रैंक नॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा अच्छे से समझो कि पर्सेंटाइल नॉर्म्स या क्या है पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की वट इज़ परसेंटेज ठीक है तो इंडिविजुअल स्कोर और ए रॉ स्कोर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस ऑफ आइटम्स केयरफुली आंसर्ड और सॉल्व जैसे मान के चलो कि हम तुमको हंड्रेड क्वेश्चन देते हैं हम आपको हंड्रेड क्वेश्चन देते हैं उस हंड्रेड क्वेश्चन uh, पर आप जितना सॉल्व करते हो वही आपका परसेंटेज बताता है दैट इज अ इंडिविजुअल स्कोर जैसे मान के चलो कि आपका टोटल है हंड्रेड इसमें आपको मिला है फिफ्टी स्कोर तो हम मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करते हैं तो आपका परसेंटेज कितना हो गया फिफ्टी परसेंट दैट इज अ परसेंटेज जो इंडिविजुअल स्कोर होता है ठीक है लेकिन परसेंटाइल क्या है परसेंटाइल इज ए ड्राइव और कन्वर्टेड स्कोर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पर्सन स्कोर विच सोज द रिलेटिव पोजिशन इन द ग्रुप यानी पर्सेंटाइल नॉर्म से क्या होता है पर्सेंटाइल से क्या पता चलता है कि इस ग्रुप में ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ स्टैंड करता है ठीक है कहाँ स्टैंड करता है मतलब जैसे हम लोग पर्सेंटाइल की बात करते हैं अगर कोई पर्सन ट्वेंटी सिक्स या फिफ्टी मार्क्स लाता है तो इसका मतलब फिफ्टी परसेंट है इसका मतलब ये नहीं कि उसका फिफ्टी परसेंटाइल है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ग्रुप में कहाँ स्टैंड कर रहा है जैसे मान के चलो कि किसी पर्सन का या किसी स्टूडेंट का टेस्ट में फोर्टी परसेंट प्राप्त हुआ है ठीक है और उसका परसेंटाइल नाइन्टी हो ठीक है जैसे मान के चलो कि अगर कोई पर्सन है वो स्कोर उसको मिला है यानी उसका परसेंटेज कितना है मान के चलो फोर्टी लेकिन परसेंटाइल कितना है जिसको हम लोग पी बोलते हैं परसेंटाइल रैंक कितना है नाइन्टी नाइन्टी का मतलब क्या हो गया कि हंड्रेड में उस पर्सन का या उस स्टूडेंट्स का स्टैंड क्या है नाइन्टीथ पोजिशन में यानी उससे बिलो नाइन्टी लोगों का स्कोर है और उससे अब टेन परसेंट टेन लोगों का स्कोर है यानी अगर किसी पर्सन का या किसी स्टूडेंट का नाइन्टीथ परसेंटाइल आता है इसका मतलब ये होता है कि वो अपने ग्रुप से केवल टेन परसेंट लोगों से ही नीचे है यानी वो अपने ग्रुप से नाइन्टी परसेंट लोगों से उसका परफॉर्मेंस जो है बेटर है दैट इज परसेंटाइल रैंक जो बताता है कि हमारा पोजीशन क्या है हंड्रेड परसेंट में से या हंड्रेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से हमारा पोजीशन क्या है तो परसेंटेज कभी हमारा पोजीशन नहीं बताता है परसेंटेज ये हमें बताता है कि हमारा स्कोर कितना हुआ है यानी हम कितना करेक्टली सॉल्व किए हैं दैट इज़ आवर परसेंटेज विच इज़ अ इंडिविजुअल स्कोर लेकिन परसेंटाइल बताता है कि सौ लोगों में से मेरा स्थान कहाँ यानी हम कहाँ स्टैंड किए हैं मेरे से कितने लोग बिलो हैं और कितने लोग अबव हैं जैसे मान के चलो नाइन्टी परसेंट बहुत सारे लोगों का आ सकता है ना तो नाइन्टी से बिलो भी बहुत सारे लोगों का आ सकता है नाइन्टी से अबव भी बहुत सारे लोगों का आ सकता है तो परसेंटाइल नॉम एक्सैक्टली बताता है कि मेरा पोजीशन क्या है मतलब मेरे से लोअर पोजीशन में कितने लोग का स्कोर है और मेरे से हायर पोजीशन में कितने लोगों का स्कोर है दैट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ़ परसेंटाइल ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं दस पर्सेंटाइल नॉम्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग एन इंडिविजुअल स्कोर ऑन अ टेस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल यानी किसी खास मानकीकृत सैम्पल पर प्रतिदर्श पर किसी पर्सन का कहाँ पे स्टैंड है ये ही प्रोवाइड करना बेसिक काम है पर्सेंटाइल नॉम्स का मतलब परसेंटाइल नॉम्स मतलब के द्वारा ही पर्टिकुलर ये पता चलता है कि किसी स्टैंडर्डाइज सैंपल पर किसी पर्सन का अपना स्टैंडिंग कहाँ है अपना पोजीशन कहाँ पे है वो किस स्थान को ग्रहण किया है ठीक है द मेजर लिमिटेशन ऑफ पर्सेंटाइल नॉर्म्स इज दैट ऑफ इनक्विलिटी इन यूनिट थ्रू आउट द पर्सेंटाइल स्किल इसको हम समझा रहे हैं सेकेंड लिमिटेशन क्या इज द पर्सनटाइल नॉर्म्स इंडिकेट ऑनली दर्सन रिलेटिव पोजिशन इन द स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल दे कन्वे नथिंग रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स पर्सेंटाइल स्कोर के द्वारा ये पर्टिकुलरली पता चलता है कि वो स्टैंड कहाँ करता है लेकिन उसके साथ दूसरे पर्सन का कितने का डिफरेंस है ये जो इक्वलिटी है ये जो इक्वल स्कोर है ये पर्सेंटाइल नॉर्म्स के द्वारा पता नहीं चल पाता है इसको हम समझाते हैं थोड़ा समझो <coughs> कैसे समझाएंगे तो इसको हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के आधार पर समझते हैं ओके okay? जैसे मान के चलो ये हमारा नॉर्मल प्रोवर्टी कर्व है ठीक है ठीक है अब देखो बीच में सेंटर में क्या होता है दैट इज़ ज़ीरो स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या हो गया प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन देन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्लस थ्री डेविएशन सेम इज़ एयर बट यहाँ माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन अब इसके आधार पर हम लोग परसेंटाइल नॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ कितना है दैट इज फिफ्टी परसेंट यहाँ क्या है दैट इज एटी फोर परसेंट टू में क्या है दैट इज नाइन्टी एट यहाँ क्या है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सेम यहाँ पे माइनस में कितना है दैट इज सिक्सटीन परसेंट यहाँ पे कितना है दैट इज टू परसेंट और यहाँ पे कितना है जीरो पॉइंट वन परसेंट ठीक है तो देखो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या बताता है कि जो 68 परसेंट एरिया दैट इज़ 50 परसेंट को कवर करता है ये हमारा हो गया 84 परसेंट को कवर करता है कितना कवर करता है दैट इज़ 84 परसेंट को कवर करता है देन सिग्मा टू स्टैंडर्ड एविएशन क्या करता है 98 परसेंट एंड थ्री स्टैंडर्ड एव्यूशन क्या है तो दैट इज़ नाइन्टी परसेंट तो ये हमारे पर्सेंटाइल को बताता है तो यहाँ इनिक्वलिटी क्या है कि हर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है सिमिलर नहीं है मतलब देखो यहाँ 50 से 84 के बीच में कितना का डिफरेंस है दैट इज़ 34 84 से 98 के बीच में कितना डिफरेंस है दैट इज़ 14 98 से 99 के बीच कितना डिफरेंस है दैट इज़ 1.9 पॉइंट नाइन सेम यहाँ पे भी थर्टी फोर दैट इज़ फोर्टीन एंड वन पॉइंट नाइन ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इसकी बात की कि द इनिक्वलिटी ऑफ यूनिट्स थ्रू आउट द पर्सेंटाइज स्केल ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हम जो हम बताते हैं कि मेरा पोजिशन कहाँ पे है ये हमारा क्या बता रहा है पर्सेंटाइज रैंक और ये क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कव ठीक है ये क्या है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कव तो ये पर्टिकुलर क्या बता रहा है कि पोजिशन तो बता रहा है लेकिन जो दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है ये स्कोर्स के बीच का एक्चुअल डिफरेंस जो है ये पर्सेंटाइल रैंक के द्वारा पता नहीं चल पाता है तो इसी कमी को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स को बनाया गया है ठीक है तो परसेंटाइल आपको समझ में आ गया परसेंटाइल्स के आधार पर किसी ग्रुप में हम अपना पोजीशन पता कर पाते हैं लेकिन हमारा जो दूसरे पर्सन के साथ जो डिफरेंस है ये डिफरेंस एक्चुअली कितना है ये परसेंटाइल नॉर्म्स के आधार पर पता नहीं चल पाता है और इसी कमी को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स का डेवलपमेंट हुआ या फिर उसको बनाया गया स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स क्या है अ नॉर्म विच इज़ बेस्ड अपन अ स्टैंडर्ड स्कोर इज नोन ए एज स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म जो स्कोर जो नॉर्म बेस्ड होता है स्टैंडर्ड स्कोर पर उसको हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म कहते हैं ठीक है इन स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स द यूनिट्स ऑफ द स्केल आर इक्वल सो दे कन्वे द सेम मीनिंग थ्रू आउट द होल रेंज ऑफ द स्केल तो पर्सेंटाइल नॉर्म्स का जो सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या था कि इसमें जो यूनिट्स ऑफ स्केल है ये इक्वल नहीं है कितने कितने का गैप है किसी में थर्टी फोर देन फोर्टीन देन वन पॉइंट नाइन तो गैप जो है वो इक्वल नहीं है इसी कमी को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स को बनाया गया जिसके आधार पर कि थ्रू आउट द होल रेंज ऑफ स्केल मतलब पूरे स्केल में जो गैप है जो एक्चुअल गैप है ये एक समान रहता है इसीलिए स्टैंडर्ड्स को नॉम को डेवलप किया गया कि वो परसेंटाइल नॉम्स के इस कमी को दूर कर सके नेक्स्ट क्या है स्टैंडर्ड्स को नॉर्म्स रिमूव द लिमिटेशन ऑफ इनिक्वलिटी ऑफ यूनिट्स विच इज कॉमन इन परसेंटाइल नॉर्म्स परसेंटाइल नॉर्म्स में जो इनिक्वलिटी था उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया है ठीक है क्या है स्टैंडर्ड स्कोर इज़ अ ड्राइव स्कोर इट हैज़ अ स्पेसिफाइड और फिक्स्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसी की वजह से क्या होता है कि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्कोर है वो एक्चुअल पता चलता है कि कितने का गैप है कितने का डिफरेंस क्योंकि इसका मीन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है दैट इज़ फिक्स्ड वो फिक्स्ड होता है इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर सच एस स्टैंडर्ड स्कोर निकालने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है जेड स्कोर टी स्कोर स्टेनाइन स्कोर डेविएशन आई क्यू स्टैंडर्ड स्कोर इज स्टेनाइन स्कोर डेविएशन आई क्यू स्कोर ठीक है तो बेसिकली ये फोर टाइप्स है जिसके आधार पर हम लोग रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में बदलते हैं अब आप लोग बात करोगे कि रॉ स्कोर क्या है ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं देखते हैं स्टैंडर्ड स्कोर इज यूजफुल फॉर कहाँ पे स्टैंडर्ड स्कोर यूजफुल होता है व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम पर्सन ऑन डिफरेंट टेस्ट इज टू बी कंपेयर्ड इट इज़ पॉसिबल वेन रॉ स्कोर कन्वर्टेड इन टू स्टैंडर्ड स्कोर जैसे मान के चलो आप लोग कभी एम पी आई का इस्तेमाल करो मॉडस्लि पर्सनलिटी इन्वेंट्री का ठीक है उसमें हम लोग क्या करते हैं उसमें हम लोग किसी पर्सन का न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी को इधर उसके एक्स्ट्रोवर्जन को मेज़र करते हैं ठीक है दो डायमेंशन को मेज़र करते हैं एंड एक्स्ट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिज्म तो जब हम एक्स्ट्रोवर्जन और न्यूरोटिज्म को मेजर करते हैं तो उन्होंने जो रिप्लाई क्या होता है उसके आधार पर जो स्कोर हम लोग निकालते हैं दैट इज़ अ रॉ स्कोर लेकिन जब हम नॉर्म चार्ट के आधार पर उसी रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज़ द स्टैंडर्ड स्कोर वो स्टैंडर्ड स्कोर है और उसी स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्म बनाते हैं ठीक है तो यहाँ ये यह पॉसिबल कब हो पाता है स, देखो जैसे मान के चलो डिफरेंट डिफरेंट सेम पर्सन डिफरेंट टेस्ट मान मान के चलो उसने एम भी दिया उसने एनजाइटी स्केल पर भी अपना स्कोर किया उसने डिप्रेशन स्केल पर भी अपना स्कोर किया इन सारे टेस्ट का डिफरेंट टेस्ट के स्कोर को जब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं

Two से थ्री सिग्मा के बीच में क्या है साइज वेरी कर जाता है कितना तो फिफ्टी परसेंट दैन एटी फोर दैन नाइन्टी एट ये जो वेरी जो परसेंटाइल नॉर्म्स का एक लिमिटेशन है ये स्टैंडर्ड स्कोर में नहीं होता है जिसकी वजह से क्या होता है इक्वल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो पाता है ठीक है रॉ स्कोर कैन बी कन्वर्टेड इन टू स्टैंडर्ड स्कोर थ्रू टू मैथड्स रॉ स्कोर को हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं दो मैथड्स के सहारे एक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज नॉर्मलाइज ट्रांसफॉर्मेशन इसके आधार पर ही हम लोग रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर पाते हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड नॉम यूज इन एम पी आई स्केल वही हम बताएं कि मॉडस्लें पर्सनैलिटी स्केल में बेसिकली दो डायमेंशन का हम लोग मेजरमेंट करते हैं फर्स्ट वन इज एक्सट्रोवर्जन एंड दर न्यूरोटिज्म इसमें जो भी वो आंसर करता है उस आंसर के मार्किंग को हम ऐड करते हैं इधर वो टू इधर वन जितने भी स्कोरिंग है यस और नो के लिए उसको ऐड करने के बाद जो हमारे पास स्कोर आता है उस स्कोर को हम लोग कहते हैं रॉ स्कोर उस रॉ स्कोर को हम नॉर्म चार्ट के आधार पर स्टैंडर्ड स्कोर में बदलते हैं जब हम स्टैंडर्ड स्कोर के में बदल लेते हैं तो उसके आधार पर क्या होता है कि हम उसका एवरेज निकाल पाते हैं और उसी एवरेज के आधार पर हम कंपेयर करते हैं कि किस स्टूडेंट का क्या पोजीशन है किस स्टूडेंट के साथ दूसरे स्टूडेंट का क्या एक्चुअल डिफरेंस आया है और उसके आधार पर हम ये दिखाते हैं कि वो कितना बेटर है उसका परफॉर्मेंस कितना बेटर है या उसका परफॉर्मेंस कितना बिलो है बिलो द एवरेज है ठीक है तो ये आपके टोटल हो गए फोर टाइप्स ऑफ क्या है नॉर्म्स जिसके आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि कि कैसे हम लोग नॉम्स निकालते हैं दैट इज़ अ एज वैलेंट नॉम्स जो एज के आधार पर निकालते हैं ग्रेड वैलेंट नॉम्स जो हम उसके क्लास के अकॉर्डिंग निकालते हैं और परसेंटाइल नॉम्स पर्सनटाइल नॉर्म्स क्या है जिसमें हम किसी पर्सन का पोजिशन पता करते हैं कि किसी ग्रुप में उसका स्टैंड कहाँ पर है कितने लोग उससे बिलो है और कितने लोग उससे अबब है लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मेज़र ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है इक्वल नहीं होता है इसको दूर करने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म्स बनाया गया है जिसमें किसी पर्टिकुलर सैंपल ग्रुप पर जब हम किसी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके आधार पर जो स्कोर प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड रॉ स्कोर और उसी रॉ स्कोर को हम जब स्टैंडर्ड स्कोर में बदलते हैं दैट इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्म्स यानी स्टैंडर्ड स्कोर में हम बदलने के बाद उसका एवरेज निकालेंगे जो एवरेज स्कोर आएगा दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉम्स तो आपको यही जानना है कि फोर टाइप्स ऑफ नॉम्स क्या हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है और हम इसको कैसे बनाते हैं ठीक है थीके? आप इसको स्टडी करो और अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक आप हेल्प लो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक्स अ लॉट